तो फ्रेंड्स, आज के डीआईवाई के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये टेराकोटा प्लेट्स। ये इजीली आपको किसी भी पॉटरी शॉप पे रोड साइड जो मटके वगैरह सेल करते हैं उनके पास मिल जाएगी। तो ये 40 रुपीज़ का पर पीस मुझे मिला है, तो 40 to 50 रुपीज़ में ये इजीली आपको मिल जाती है। इनको हैंग करने के लिए मैंने फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले की हेल्प से ये पिंस जो हैंगिंग क्लिप्स है ये इसके पीछे स्टिक कर ली है ग्लू की हेल्प से। ये स्टेप मैंने इनिशियली किया है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये आप लास्ट में करें, क्योंकि मैंने इसको पहले ही हैंग करने के लिए रेडी कर लिया, तो मुझे पर्टिकुलर रहना पड़ा डायरेक्शन के लिए अपनी ड्राइंग या पेंटिंग बनाते टाइम। तो मेरी सजेशन है कि आप इसको हैंगिंग को आप एंड में लगाएं, तो ये ड्राई होने के बाद बहुत ही टफ़ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद मैंने इन प्लेट्स को दे दिया एक बेस कोट अलग अलग कलर में, क्योंकि मैं इसी को एज अ बैकग्राउंड कलर यूज़ करने वाली हूँ फर्दर अपनी पेंटिंग में। तो एक वाइट, एक येलो और एक इस तरह से पिंक कलर में मैंने बेस पेंट इन तीनों प्लेट्स को कर लिया। अब मैंने एक ट्रेसिंग पेपर पे पिन इंटरेस्ट से कुछ सुंदर सुंदर इमेजेस जो है वो ट्रेस कर ली है, और कार्बन की हेल्प से इन प्लेट्स पे मैंने इनको इस तरह से कुछ ट्रेस कर लिया। तो जो हाईलाइट पार्ट्स थे जो डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ थे, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ तो मुझे ट्रेस करना पड़ा, जो डिफ़िकल्ट पार्ट्स थे वो मैंने ट्रेस कर लिए, बाकी जो इजी टू ड्रॉ लाइंस एंड ऑल है वो मैंने खुद ड्रॉ कर ली पेंसिल की हेल्प से। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जब हम ट्रेस करते हैं तो यहाँ पे कार्बन के कुछ मार्क्स रह जाते हैं। इनको रिमूव करने के लिए आप कोई भी थिनर यूज़ कर सकते हो, थिनर की हेल्प से ये इजीली डाइल्यूट हो जाते हैं। अब ये जो आउटलाइनर 3D आउटलाइनर कोन्स मिलते हैं फेविक्रिल के, इनकी हेल्प से मैंने अपनी इन ड्राइंग्स को एक आउटलाइन दे दी है, ताकि जब मैं इनमें कलर्स फिल करूँ तो ये जो बैकग्राउंड कलर है मेरा इसमें ये स्मज ना हो या इसको रिप्लेस ना करे। तो इस तरह से एक रफ़ आउटलाइन मैंने अपनी तीनों प्लेट्स में जो मैंने पिक्चर्स ड्रॉ करी है उनमें दे दी है। इसके बाद हम करेंगे इन तीनों में अपनी पसंद के कलर्स फिल। सो फर्स्ट प्लेट पे मैंने पेंट किए हैं ये बुद्धा जी जो मेडिटेट कर रहे हैं, ये काफ़ी पीसफुल इफेक्ट देते हैं। तो इनको पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है येलो, ऑरेंज एंड वाइट कलर का। तो ऑरेंज की शेड्स मैंने यहाँ यूज़ की है सैफ्रन मिक्स करके, सैफ्रन कलर, जिससे कि ये एक जो साधु मुनि वाला वेश होता है बुद्धा जी का वो यहाँ पर दिख कर आए। बुद्धा जी की बॉडी पेंट करने के लिए मैंने वाइट कलर का यूज़ किया है, तो ये इजीली इस तरह से एक पिक्चर बनकर मेरी तैयार हो गई। दूसरी प्लेट पर मैंने ये दुर्गा माँ का फेस ड्रॉ किया था, तो इसको ड्रॉ करने के लिए, पेंट करने के लिए मैं कुछ नियॉन कलर्स का यूज़ करने वाली हूँ, जो फेविक्रिल के नियॉन कलर्स आते हैं उनमें से, क्योंकि नियॉन कलर्स बहुत ही ब्राइट होते हैं और ये एक दूर से ही आपकी साइट कैच करते हैं। क्योंकि ये काफ़ी दिनों से मैंने इसको एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखा था किसी एम्ब्रॉयडरी हुप पर क्योंकि मैं एम्ब्रॉयडरी हुप्स बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो मैंने सोचा इस आइडिया को मैं इस प्लेट पर पेंट कर देखती हूँ। तो इस तरह से मैंने अलग अलग नियॉन कलर्स यूज़ किए पेंट करने के लिए और दुर्गा माँ का फेस रेडी कर लिया, और इसमें मैंने डिफरेंट कलर्स और आउटलाइनर्स की हेल्प से डिटेलिंग दे दी। तो बनने के बाद फ्रेंड्स ये सबसे फेवरेट DIY रहा मेरा, होप आप सबको भी ये पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, दुर्गा माँ की पिक्चर में सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जो होती है वो है उनकी आँखें। तो ब्लैक कलर की पेंट से इस तरह से मैंने उनके माथे पर और उनकी आईज़ को हाईलाइट कर दिया,
और उनके आईब्रोज को भी। अब मैंने माता रानी की ज्वेलरी को कलर कर लिया और इनकी आई लैशेस वगैरह बनाई। तो फ्रेंड्स, एक एक डिटेलिंग पे आप ध्यान दें ताकि आपका जो एंड रिज़ल्ट है वो बहुत ही सुंदर खिलकर आए। अगली प्लेट में भी मैंने दुर्गा माँ की ही पिक्चर बनाई है, उनकी गोद में गणेश जी बैठे हुए हैं। तो ये एक बंगाली पेंटर है, काफ़ी फेमस, जामिनी रॉय। उनकी कुछ पेंटिंग्स में से ये एक पेंटिंग है जो बहुत ही पॉपुलर है। इनकी पेंटिंग्स फेमस है क्योंकि ये काफ़ी इजी है ड्रॉ करने में और पेंट करने में, और ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो फिनिश होने के बाद ये भी बहुत सुंदर लगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी एक एक चीज़ का मैंने डिटेलिंग का ध्यान दिया है। डिटेलिंग होने के बाद और पिक्चर में पेंट होने के बाद ये जो बैकग्राउंड है इन पे मैंने एक और कोट दे दिया है पेंट का, जिससे कि ये जहाँ पे भी निशान वगैरह हो गए थे पेंट करते टाइम पे वो भी कवर अप हो जाए और मेरी पिक्चर्स को एक फिनिशिंग लुक मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये पिक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब मैं इनकी साड़ी पे कुछ डिटेलिंग कर दूँगी, ज्वेलरी बना दूँगी और बैकग्राउंड पे कुछ कोट कर दूँगी पेंट का दोबारा से। और ये देखिए इन तीनों की झलक। फ्रेंड्स, आपको अगर ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। कमेंट कर बताएं कि आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।